एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आप सब की सेहत कैसी है? गर्मी लग रही है इनको, गर्मी हो गई है, वेदर चेंज हो रहा है, तो अभी मुझे भी बैठे बैठे यहाँ पे काफ़ी गर्मी लग रही है। मुझे एक चीज़ और कहनी है, जब आप सब लोग मेरे ब्लॉग्स में देखते हैं कि मैं वर्कआउट करती हूँ, तो काफ़ी लोगों के मुझे कॉमेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं कि मैम हम 30+ हैं या 40+ हैं या किसी की एज 50+ भी है, तो क्या हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? एज मैटर नहीं करती है एक्सरसाइज करने के लिए। कोई भी वर्कआउट आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल और उसके कैपेबल बनाना होगा। आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप वो वर्कआउट कर सकें। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जब भी आप स्टार्ट करें, अगर काफ़ी टाइम से आपने एक्सरसाइज नहीं की है या आपने कभी एक्सरसाइज की ही नहीं है, तो आप वॉक से स्टार्ट करें। वॉक इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट एनी वर्कआउट। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपकी बॉडी उसके हैबिचुअल होना शुरू हो जाती है, अडेप्ट करती है एक नई चीज़ को। तो फॉर्म में आने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप वॉक करें, धीरे धीरे अपने वॉकिंग आवर्स बढ़ाएं और हल्की हल्की रनिंग करना शुरू करें, उसके बाद हल्की हल्की एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। अब आपका स्टेमिना बन जाएगा, आपको लगेगा कि अब आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो चीज़ आप कर रहे हैं वो बहुत ईजी लगने लगेगी आपको, उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। और जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो होता है, आप डरते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन प्लीज़ प्रॉपर पोस्चर के साथ कीजिए। चीज़ को समझें पहले कि एक्सरसाइज को कैसे करना है, उसको देखें पहले अच्छे से, उसके बाद करना स्टार्ट करें, तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होने लगेगा। स्पेशली मेरा जोर इसी चीज़ पे होता है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें ताकि आपकी लाइफ अच्छी चलती रहे, क्योंकि हेल्थ अच्छी है तो लाइफ अच्छी है, नहीं तो आप किसी भी चीज़ को इंजॉय नहीं कर सकते। जैस्मिन अभी कॉलेज में है, मैंने उसे कॉल कर दिया है। अभी मैं जा रही हूँ एक पॉइंट पे जहाँ पे जैस्मिन को मुझे मिलना है, थोड़ी सी उसकी शॉपिंग बाकी है, वो हम करेंगे। गाड़ी में ही बैठ के वेट करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम लोग टाइमली पहुंच चुके थे, लेकिन जैस्मिन तकरीबन 45 मिनट्स लेट पहुंची थी। हमने सोचा कि ट्रैफिक की वजह से, लेकिन अटेंडेंस लगवाने के लिए कई बार टीचर्स के पीछे पीछे भी भागना पड़ता है, और ऑफिस जाने की बजाय कुलदीप जी भी मुझे कंपनी देने के लिए मेरे साथ ही बैठे रहे। चल 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 पार्क कर जल्दी, पार्क कर दे स्कूटर, फटाफट कर ले। मेरे प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा था कि शीन से जैस्मिन का ऑर्डर तो टाइमली पहुंच गया था, लेकिन उसमें से दो तीन ड्रेसेस ऐसी थी जिसकी फिटिंग उसे पसंद नहीं आई, तो वो ड्रेसेस तो उसे रिटर्न ही करनी पड़ी थी, तो अब दोबारा ऑर्डर करने की बजाय उसने खुद शॉपिंग करना ही बेटर समझा। कॉलेज के बाद मैं सीधा उसे शॉपिंग के लिए ही ले आई थी, इसलिए वो लंच भी नहीं कर पाई, तो अब मैडम को भूख लगी थी, तो फिर वो मुझे ले आई अपनी फेवरेट प्लेस चॉकलेट रूम, जहाँ पे उसी के फेवरेट फूड के साथ साथ हमने क्वालिटी टाइम भी बिताया, और शायद ये पहली बार है कि वो 1 वीक के लिए मुझसे दूर जा रही है। घर पहुंचे तो रात के 8 बज चुके थे, तो पैकिंग करना तो इस वक्त पॉसिबल नहीं था, लेकिन डिनर रेडी करने के बाद हमने सारे सामान को कैटेगराइज करके लिस्ट रेडी कर ली, क्योंकि अगर प्रॉपर लिस्ट रेडी हो जाए तो पैकिंग करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। ट्रिप के सारे एसेंशियल या जो भी जैस्मिन ने अपने साथ कैरी किया उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी अपनी नीड और लाइकिंग के अकॉर्डिंगली आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट डे लंच टाइम पे कुलदीप जी ने जैस्मिन को अपने पास बिठाया, क्योंकि बीइंग अ फादर वो अपनी डॉटर को कुछ गाइडलाइंस देना चाहते थे। बेशक वो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ मैच्योर भी है, लेकिन पेरेंट्स होने के नाते हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस टाइम टू टाइम हम अपने बच्चों को देते रहें। Can we make a move?
तो बस उसके बाद शुरू हुई जैस्मिन की पैकिंग। तो सबसे पहले हमने लिस्ट के अकॉर्डिंगली सारी ड्रेसेस को सेपरेट किया कि कुछ भी छूटे नहीं, जिसमें से कुछ ड्रेसेस को उसने रीट्राई भी किया कि कुछ मिस एंड मैच हो रहा हो तो पता चल सके। सारी ड्रेसेस को सेट कर लेने के बाद बारी आती है उनको फोल्ड करने की, क्योंकि जैस्मिन जा रही है बीच सिटी यानी कि गोवा, और वहाँ पे वेदर बहुत ही हॉट एंड सनी होता है, तो सिर्फ वहाँ पे लाइट समर क्लोथ्स ही चलेंगे। समर क्लोथ्स को हम स्मॉल से स्मॉल फोल्ड कर सकते हैं, जिससे इनको ऑर्गेनाइज करना और कैरी करना दोनों ही ईजी होते हैं। जैस्मिन की पैकिंग के लिए यहाँ मैंने मिडल साइज ट्रॉली बैग यूज़ किया है, और इस तरह से फोल्ड करके आप छोटे लगेज में भी बहुत सारी ड्रेसेस फिट कर सकते हैं। इस तरह रखने से हर एक ड्रेस पे आपकी नज़र इजीली जाएगी और ड्रेसेस को लेना और वापस रखना भी इजी रहता है। ड्रेसेस के साथ साथ एक कैप और उसका टाल भी मैं इसी कंपार्टमेंट में रख रही हूँ। उसके बाद एक बड़ा पाउच जिसमें उसकी सारी टॉयलेट्रीज जाएंगी। तो पूरी लिस्ट हमने बना रखी है उसके लिए, तो वन बाय वन लिस्ट को देखते हुए सब चीजें उसमें जाएंगी। इसमें एक स्मॉल टूथपेस्ट और एक टूथब्रश, हेयर ब्रश, हेयर कॉम और साथ ही शैम्पू, इतनी बड़ी बॉटल नहीं डाल रही हूँ, छोटी सी बॉटल में मैंने फिल कर दिया है और उस पर स्टिकर लगा दिया है, और साथ ही डाल रही हूँ मैं उसका परफ्यूम का मॉइस्चराइजर, जिसको भी मैंने एक स्मॉल बॉटल में डाला है, उसका फेस वॉश और साथ ही सनस्क्रीन जो कि बहुत जरूरी है गोवा जैसी सिटी में, नेल पेंट रिमूवर जिसमें आपने सिर्फ अपनी फिंगर डालनी है और आराम से पेंट उतर जाता है, अलग से कॉटन या रिमूवर रखने की जरूरत नहीं है। नेल पेंट लगाने का उसे वैसे भी बहुत शौक है और कोई मेकअप ज्यादा वो करती नहीं है फेस पे, नेल पेंट के लिए वो बहुत क्रेजी है। वेट वाइप्स जिन्हें मैं इस पाउच में नहीं डालूंगी, अलग से उसके हैंड बैग में डालूंगी, साथ ही हैंड सैनिटाइजर भी, और इस ट्रांसपेरेंट पाउच में हर चीज विजिबल भी है। उसके मेकअप पाउच में सबसे पहले जाएगी बीबी क्रीम, साथ ही मैं डाल रही हूँ उसमें आईलाइनर, कॉम्पैक्ट है उसका और साथ ही एक ब्लशर है, दो ब्लशर ब्रश हैं और साथ ही उसमें डाल रही हूँ मैं मस्कारा, पिंक और न्यूड शेड की दो लिपस्टिक्स हैं और साथ ही उसमें छोटा सा मिरर है, और शिमर डाल दिया है मैंने छोटी सी डिब्बी में पार्टी वगैरह के लिए, साथ ही उसकी हैंड क्रीम है और ये मेकअप रिमूवर। अलग से एक पाउच में मैंने उसके अंडरगार्मेंट्स और दो पेयर सॉक्स के डाले हैं, और अलग से ही एक पाउच में डाल रही हूँ मैं उसका फोन चार्जर अलेक्सा, जिसे वो साथ लेके जा रही है, और अलेक्सा की ही वायर और प्लग, और ईयरफोन्स भी इसी पाउच में डाले जा सकते हैं, लेकिन इन्हें वो अपने स्लिंग बैग में अपने फोन के साथ ही डालेगी। उसकी एक छोटी सी मेडिकल किट भी बनाई है, जिसमें मैंने डाली है थोड़ी सी बैंडेज और साथ ही पैरासिटामोल का एक पैकेट, और साथ ही उसमें डाल रही हूँ मैं एवोमीन और वर्टिगो, दो टैबलेट्स हैं ये। ड्यूरिंग ट्रेवल अगर आपको चक्कर आते हो या फिर वॉमिट आती हो तो ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आराम से आप ट्रेवल करते हैं, पता भी नहीं चलेगा। इन दोनों टैबलेट्स का नाम और कैसे लेनी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। उसकी एक्सेसरीज के लिए मैंने एक अलग से प्लास्टिक बॉक्स लिया है, जिसमें उसके हेयर बैंड्स और रबर बैंड्स रखे हैं, साथ ही एक छोटी सी डिब्बी में उसके ईयररिंग्स और नेकपीसेस, और ऐसे ही एक छोटे बॉक्स में मैंने उसके ब्रेसलेट्स रख दिए हैं। इस तरह रखने से उसे चीज़ें इजीली मिल जाएंगी। और ऑर्बिट की एक खाली डिब्बी का यूज़ मैंने किया है सेफ्टी पिन्स और हेयर पिन्स रखने के लिए। ड्यूरिंग ट्रेवल खाने पीने के लिए दो टिफिन्स तो मैं दूंगी ही, साथ ही स्नैक्स के लिए एक बॉक्स में मैंने ओरियो डिप और चॉकलेट्स रखी हैं और एक बॉक्स में ओरियो बिस्किट्स, साथ ही एक पैकेट दिया है मैंने उसे स्नैक्स का, साथ ही एक क्लिप रखा है ताकि पैकेट खोलने के बाद उसमें मॉइस्चर ना जाए। उसके सारे फुटवेयर्स को मैं प्लास्टिक बैग्स में रख रही हूँ, आप कोई भी प्लास्टिक बैग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन्हें लगेज में ही रखूँगी और मैं नहीं चाहती कि कोई और दूसरी चीज़ें ख़राब हो जाएँ, तो यहाँ पर मेरे पास शीन के प्लास्टिक बैग्स थे तो मैं उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। तो लगेज के एक कंपार्टमेंट में सारी ड्रेसेस आ गई थी और दूसरी साइड में सारे फुटवेयर्स और जितने भी मैंने उसके पाउचेस पैक किए हैं वो सारे रख दूंगी, क्योंकि ये सारी पैकिंग उसने मेरे साथ करवाई है तो उसे भी पता है कि कौन से पाउच में क्या चीज़ है, और इस तरह ऑर्गेनाइजिंग वे में की गई पैकिंग से चीज़ों को ढूंढने में लगने वाला समय बच जाता है। दो लॉन्ड्री बैग्स रखती हैं मैंने डर्टी क्लोथ्स को रखने के लिए। लीजिए मैडम का मेन बैग तो हो गया है रेडी, अब रेडी कर लेते हैं उसका हैंड बैग। इसमें सबसे पहले मैंने एक हैंड टॉवल डाला है और साथ ही स्नैक्स के बॉक्सेस डाल दिए हैं, और उसके बाद डाल रही हूं मैं उसके सनग्लासेस।
वेट वाइप, मेडिकल किट और हैंड सैनिटाइजर, तीनों चीज़ों को मैं बाहर की पॉकेट में ही डाल रही हूँ। एंड पैकिंग डन। मैंने पैकिंग अपनी बेटी की नीड्स के अकॉर्डिंगली की है। हर किसी की नीड्स डिफरेंट होती हैं और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कम ज़्यादा की जा सकती हैं। एंड आई विश हर अ वेरी हैप्पी एंड सेफ जर्नी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।